स्टार्ट कर दिया। ये वोल्टास बेगो का न्यू मॉडल है, इसका टेस्ट मोड एक्टिवेट करने के लिए आपको डिग्री सेल्सियस का बटन प्रेस करके रखना है और जॉक डायल को मूव करना है कॉटन की तरफ। तो मशीन के अंदर टेस्ट मोड एक्टिवेट हो गया, अभी डैश डैश आ रहा है। डैश डैश का मतलब है इसमें कोई एरर नहीं है, आ रहा है। अगर एरर होता तो यहाँ पर एरर मिल जाता, ठीक है। अब अगला स्टेप चलेंगे, तो अगला स्टेप है हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन। ये इसके अंदर बता रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर C46 सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फिर से प्रेस करेंगे तो ये पीसीबी टेस्ट हो रहा है, इसके अंदर डिस्प्ले पीसीबी, कोई एलईडी फ्यूज तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 04, इसमें मोटर क्लॉकवाइज रोटेट होगी 52 आरपीएम पे। अभी आप देख सकते हैं ड्रम रोटेट होने लगा है 52 आरपीएम पे, वॉश मोटर रोटेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगले स्टेप पे इसी को प्रेस करेंगे तो स्टॉप होने के बाद फिफ्थ स्टेप पे जाइए, अब मोटर क्लॉकवाइज 52 आरपीएम पे रोटेट होगी। जो वॉश है देखो अब रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट अगले स्टेप पे जाने के लिए फिर से स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो अभी मोटर स्टॉप होने के बाद ये सिक्स स्टेप पे जाएगी और मशीन हाई स्पीड आरपीएम पे जाएगी, स्पिनिंग आरपीएम चेक करेगी। तो यहां पर मशीन 1200 आरपीएम तक जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मोटर हाई स्पीड पे जा रही है। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे इसमें प्री वॉश का इनलेट वॉल ऑन होगा, प्री वॉश से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। अभी पानी से कनेक्ट नहीं है इसलिए पानी नहीं मिलेगा, कस्टमर के वहां होगा तो पानी मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर से स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो अब मेन वॉश में पानी मिलेगा, यानी सेकेंड वॉल ऑन हो जाएगा यहां पर, ठीक है। 9 नंबर पे सॉफ्टनर वाले बॉक्स में पानी आएगा, जिसमें सॉफ्टनर बीच वाला चैंबर है इसके अंदर पानी आएगा, तो आपके तीनों ऑपरेशन चेक हो जाएंगे वॉल के। नेक्स्ट अगले स्टेप में अभी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अभी इसके अंदर पानी नहीं है, अगर पानी होता तो ये 10th स्टेप पे जाता जहां पर हीटर एक्टिवेट होता, और फिर से अगर स्टार्ट का बटन प्रेस करते तो 11th स्टेप पे जाता जहां पर ड्रेन मोटर एक्टिवेट होता। तो मशीन को बिना खोले आप टेस्ट मोड में चेक कर सकते हैं।